सार बता रहा हूं। ये पंखा बंद कर दो भाई। एक बार लगभग 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए आपके आसपास, इसलिए मैंने पंखा बंद करवाया। नहीं कोई पंखा चाहिए ना एसी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर है अभी, और मुझे लगता है ये 25 से 30 के बीच में है। जैसे जैसे सूर्य उदय होगा बढ़ता जाएगा टेम्परेचर थोड़ा बहुत। तो 25 से 30 के बीच टेम्परेचर हो, और आप अपने आवश्यकता के अनुसार जितना आप कर सकें उतना व्यायाम करें। एक बार पूरा पसीना बहने दें, और फिर जितने आवश्यक हो अपने रोग के अकॉर्डिंग 5, 10, 20 अधिकतम आसन करें। और फिर प्राणायाम तो सबके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। चलो इसी क्रम में आपको अब आगे ले चलते हैं। योगिक जोगिंग कर सकते हैं, पूरा सूर्य नमस्कार पूरा कर सकते हैं, पूरे दंड बैठक कर सकते हैं, ये एक विकल्प है। ये सबसे नहीं हो पाता है, सबके सब योगिक जोगिंग के बहुत सारा सूर्य नमस्कार सारे दंड सारे बैठक। इसलिए मैं आपको मात्र 5 अभ्यास बता रहा हूँ, 100 बार करना, और जो मोटे हैं वो 500 बार कर लेना। देखो जो सब कर सकते हैं वो बता रहा हूं, और इतनी देर में आपको यदि गायत्री का जप करना, महामृत्युंजय का जप करना, हनुमान चालीसा करना है, चलो हनुमान चालीसा करा देते हैं आपको। मैं 100 बार करूंगा और पूरा हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएगा, और तब तक शरीर से पसीना चोने लगेगा, अभी सूखा हुआ मेरा बदन अभी गीला, और खुद हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। तुम ही खुद हनुमान हो जाओगे, मैं कहता हूँ तुम ही हनुमान हो, तुम ही राम हो, तुम ही घनश्याम हो, तुम ही शिव हो, लंबे लंबे श्वासों के साथ तुम ही लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती हो, लंबे लंबे श्वासों के साथ। 100 बार हो जाएगा, अब मैं 100 बार करूंगा। सितकोणासन, भुजंगासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ज्यादा भी हो सकता है मैं उतना करूंगा जितना करके चकनाचूर हो जाते हैं, थक जाते हैं पूरी तरह से थक जाते हैं। लंबे लंबे श्वास 100 बार। श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फल छा बुद्धिहीन तनु मिरो पवन कुमार बन बुद्धि विद्या देह मुहि हर उद्देश वेगान जय हनुमान जान गुण सागर जय कपीश सिंह लोक उजान राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संग कंचन वरन विराज सुवेजा कानन मुंडल कुंजित के हाथ वज करु ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ राजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणयति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया राम लखन सीतावन बसिया। जिनको मोटापा वे तो 100 बार करके ये 5 अभ्यासों के 5 राउंड तो 500 बार हो जाएगा, एक एक दिन में एक एक 2-2 किलो वेट करेगा। ये मोटापा के 100 साल तक जवान रहने के लिए, मधुमेह के लिए, हृदय रोग के लिए व्यायाम आराम से करो, और सबके पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, पूर्ण आरोग्य के लिए भगवान की स्मृति के साथ करो।
और भगवान जैसे बनो, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जैसे स्वयं बनो। इसलिए हम क्या गाते हैं, हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ते हैं, हनुमान जी जैसे बने। तो जो ये करेंगे अभ्यास, हनुमान जैसे भगवान बनेंगे, प्रज्ञावान सेवक बनेंगे, योगी बनेंगे। रूप धरि जय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सुर लाए, रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाए, सहस वदन तुम रोज सिखावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सन का दिख ब्रह्मा दि मुनि सा, नारद नारद यही सा, यम कुबेर दिख पाल जहां ते, कवि कोविद कहीं सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीव ही के ना, राम मिलाय राजपद देना। सो बार से कम नहीं ज्यादा ही हो गया, अब सो बार हो जाए। प्रगति से गति का चयन अपने शक्ति के अनुसार करो, रुकना नहीं है। अखंड योग चल रहा है, अखंड जप तप चल रहा है, अखंड साधना प्रचंड साधना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, रूप सहस्र जो जन परमान, लीयो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल लीला की गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुख में अनुग्रह तुम रेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या तुम सारे, सब सुख ले रे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का नाम, आपन तेज सवारो आप, तीनों लोक आपते कापे, होत पिशाच कट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे सो बार कर सामान्य मध्यम यति प्रगति से गति का आश्रय अपने शक्ति के अनुसार ले। ऐसे ऐसे ही कौन चतुर प्रगति से नाश रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके कार्य से कल मुख साध, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सो सोबार ऐसे कर लिया तो राम रसायन मिलेगा योग्य रसायन से। और सो सोबार फिर ये अर्धनासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन, फिर कौन मोटा रहेगा, किसको कोई रोग रहे। आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काबू ही व्यास। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति खुल जाए, जहाँ जान में हरि भक्त रहाए, और देवता चित्तन हरि हनुमत से ही सरत सुत, जनक हर मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान साईं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंध पाए।
जो यह पढ़ हनुमान चालीसा वो इसी दिशा की गोरे सा तुलसीदास हरि चेरा जय नाथ हृदय मानेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ हृदय मानेरा सो बार अभी तो मैंने गिना नहीं 85 बार हुआ होगा 100 बार ऐसे करना फिर 100 बार ये पाद वृत्तासन करना और 100 बार फिर ये द्विचक्रिकासन करना दोनों से न बन पाए तो एक एक से कर लेना लेकिन करना है 100 100 बार और 100 100 बार करके थोड़ा बीच में विश्राम कर लिया फिर 100 बार की अगली बार फिर 3री बार फिर 4थी बार फिर 5वीं बार कोई कह नहीं सकता कि योग किया और लाभ ना मिला योग करेर मोटापा कम ना हो बीपी ना बैठे शुगर ना बैठे थायराइड ना बैठे लिवर किडनी की समस्या एसएलएमएस ऑटोमेटिक डिजीज कैंसर ना बैठे सब रोग मिटेंगे सब अंधियारा मिटेगा अभी तो 100 बार करना है इसे पूरा राम राज्य आ जाएगा चलो राम राज्य की चौपाइयां सुना देते हैं तुम खुद ही राम बन जाओगे और तुम्हारे कर्म से तुम्हारी करनी से किरत करो नाम जपो भंडके छको यही तो कह रहे थे गुरु नानक भी यही गुरुवाणी यही वेदवाणी है इस जीवन का सत्य है ये ऋषियों का सत्य है इस संस्कृति का धर्म का अध्यात्म का सत्य है ये शाश्वत सत्य है ऐसे 100 100 बार रोज करो फिर देखो क्या नहीं होता दशरथ अजीज बिहारी मंगल भवन ओ मंगल हारी दशरथ अजीज बिहारी गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मरुत त्रिविधि सदा बह सुंदर पुरशोभा कछु बरनी न जाई बाहिर नगर परम रुचिराई रमानाथ जहां राजा सो ऐसे दोनों से नहीं हो पाता था एक एक से करना 100 100 बार ये किया और 100 100 बार करके थक जाए तो बीच में मैंने कहा रुक जाए फिर दोबारा कर करते रहना अखंड योग अखंड जप तप अखंड साधना प्रचंड साधना चले फिर देखो एक रोग नहीं सब रोग मिटेंगे सब रोगों की एक औषध है योग फिर जो आवश्यक है वो औषधि भी आपको हम दे देते उच्च रक्तचाप के लिए मुक्तावटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो मेधावटी अश्वगंधा अश्वगंधा अरिष्ट सारस्वत अरिष्ट लौकी का जूस पिला देते उच्च रक्तचाप पहले ही दिन सीख मधुमेह मधुनाशिनी खाली पेट चंद्र प्रभाव टी अश्वशिला गिलोय खाने के बाद दे देते खीरा करेला टमाटर का जूस सदाबहार चिरायता जो भी उपलब्ध हो औषधियां जामुन की गुठली
पका करके सुबह सुबह खा ले पेट। पहले ही दिन से बीपी ठीक, पहले ही दिन से शुगर ठीक, पहले ही दिन से हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी। अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ पका के पिलाओ, सदामृत सुबह शाम दे दो। अकीक पिष्टि संगी सौ पिष्टि, जहर मोहरा पिष्टि मोती पिष्टि, योगेंद्र खिला दिया थोड़ा। पहले ही दिन से इंजेक्शन फैक्शन ठीक, हार्ट के ब्लॉकेज ठीक, और एक महीने में तो हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है। मैं अभी योगग्राम में बुलाने वाला हूँ, अभी एक आज पूरा विषय बताने वाला हूँ। मैं यहाँ एक एक बीमारी के 50-50 रोगी रखूंगा, और एक महीने में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स, एक महीने में डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक सबकी दवा इंसुलिन बंद, 7 से 15 दिन में बीपी की दवाई बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद, गैस कब्ज एसिडिटी की दवाई बंद, स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी की दवाइयां बंद, इंसोम्निया की दवाइयां बंद। ये 100-100 बार ऐसे करवा रहे हैं, ये तो मोटापा के लिए और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए, 100 साल तक जवान रहने के लिए सब कर सकते हैं। 5 अभ्यास फिर पाद वृद्धासन, तो राम राज्य आएगा, तुम राम बनोगे, तुम्हारे द्वारा राम राज्य आएगा। ऐसे भाई बहन में तैयार करना चाहता हूं, योगी कर्मयोगी उपयोगी हो संसार के। कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, कहूं कहूं सरिता तीर उदासी, बस ही जान रथ मुनि सन्यासी, बस ही जान रथ मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी के सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि ही लगाई, दैहिक दैविक भौतिकता पा, दैहिक दैविक भौतिकता पा, राम राज परस पर प्रीति, सब नर करही परस पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरति सुति नीति। ऐसा समाज फिर से योग करके बनेगा, गोल गोल दोनों पर से न घुमा सके तो एक एक से तो घुमा सकते, पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं। और योग के मार्ग पर चल के, वेद के श्रुति के मार्ग पर चल के कैसा होगा देश, वो हम गा रहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों परस पर प्रीति, सब नर करही परस पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, संस्कृतैर्गम्य महिमाश्वेन विराजसि। अल्प आयु नहीं कवने पीड़ा, अल्प आयु नहीं कवने पीड़ा, सब सुंदर सब ऐसा बनेगा शरीर, अल्प आयु नहीं होगी किसी की, कोई पीड़ा नहीं होगी, सब सुंदर होंगे और सब बलवान होंगे, ये होगा योग से। ऐसे 50-50 बार 100-100 बार ऐसे करना है, अभ्यास करके 100 बार तक आना है। आज मैंने 100 बार कहा है ना, तो 100 बार में कर रहा हूं, 25-25 बार करके 50 बार 100 बार 4 राउंड हो जाएंगे, 100 बार होना है। 100 बार का मैंने प्रण किया है, आपको भी ऐसे प्रण लेना है। किसी को रोगी नहीं होना है, बीमार नहीं होना, मोटा नहीं होना, बुढ़ा नहीं होना, सब सुंदर सब विरुच सरी। ओ अल्प आयु नहीं कबने पीड़ा, अल्प आयु नहीं कबने पीड़ा, सब सुंदर सब विरुच सरीरा, सब सुंदर सब विरुच सरीरा, सब उदार सब पर उपकार, विप्रचरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत व्रत सब छारी, ते मन वच क्रम पति हित का,
सबके गृह वेद पुराना, सबके गृह वेद पुराना, रामचरित पावन विधिनाना, रामचरित पावन विधिनाना, फूलहि फरहि फूलहि खग मृग सहज बयरु सबहि परस पर प्रीति बढ़ाई। मनुष्य की बात छोड़ो, सारी सृष्टि परस्पर प्रीति में जी रही है। सो सुबार करना ऐसे, सो बार ऐसे ही कर, दोनों पैर ऐसे योग से पूरा रूपांतरण। सो सुबार मैंने कहा, ये तो एक चरण कर रहा हूँ, फिर ऐसे दो तीन चरण करने हैं। जो मोटे मोटे भाई हैं, जो डेढ़ डेढ़ दो दो क्विंटल के हो रखे हैं, रोज एक एक दो दो किलोमीटर घटेगा। लो मेरा विश्वास। से वही सानुकूल सम भाई, राम चरण रते अति अधिकाई, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहे, कबहु कृपाल हम ही कुछ कही, राम करही धातन पर प्रीति, राम करही धातन पर प्रीति, नाना भांति सिखा बहिनी, हर्षित रही नगर के कोई दरिद्र नहीं था। दरिद्रता को इतना महिमामंडित कर दिया। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, कोई अभावग्रस्त नहीं था, कोई अन्याय नहीं था, कोई शोषण नहीं था, सब प्रकार का वैभव था, ऐश्वर्य था। योग करने से, कर्मयोग करने से, उद्योग करने से तो जीवन में सब प्रकार का स्वास्थ्य मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, लेकिन सब भगवान के नाते होगा, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रियाचरण, और अंततः अंतिम प्रीति, सर्वोच्च प्रीति तो प्रभु से ही है। और ये सारा उसका साम्राज्य, बस इसमें अपने आहुति दिए जा रहे हैं और बस प्रभु की प्रसन्नता के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं, और उसमें परम प्रसन्नता, परम तृप्ति, अनलिमिटेड हैप्पीनेस अपने को अंदर से मिलती है। कर सुख संपदा समार, सहस शेष नहीं कर सके जहां निर्प राम मेरा, यही विधि नगर नारी नर कर ही राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही कृपाने ओ हरि अनंत हरि कथानंद, कहि सुनहि ओ विधि सब संत, राम सियाराम सियाराम जय जय राम, राम सियाराम सियाराम जय जय राम, दीन दयाल वीरिंद सम नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, को करी तर्क बढ़ा बैसाखा,
सौ बार कर लिया तो फिर एक दो मिनट विश्राम कर लिया, फिर दूसरा चरण कर लिया। मैं दंड बैठक करके तो पसीना लाता हूं, तो सबने देखा है। आज बिना दंड बैठक के ऐसे ही पसीना टपक रहा है पूरे शरीर से। सौ सौ बार एक एक अभ्यास, 500 बार कर लिए लगभग, गिना तो नहीं मैंने, लेकिन हो ही गया होगा 500 बार ऐसे कर। फिर दूसरा राउंड करो, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा कर लो ऐसे। एक बार पसीना बहाना सब रोगों के लिए जरूरी है, तो रोग नहीं होंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। ये एंटी एजिंग है, ये एंटी डिजीज है, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, एंटी एजिंग है, एंटी डिजीज है। हाँ, ये योग। बस एक बार ऐसे पसीना बहा लेना, फिर ये तो पांच बताए जो इजी है, सब कर सकते हैं। फिर किसी को सिक्स पैक बनाने हैं ना, तो पैर ऊपर नीचे ऐसे उठाने के साथ साथ और ये कर लेना, पैर ऊपर उठाए ये वाले, ये 100 बार करने के साथ साथ ये कर लेना। कैसे? 100 बार ये कर लेना, 100 बार। फिर जिसके लिए दो आसन का है, जवानों से लेके, बच्चों से लेके, डायबिटीज से लेकर के, कमर से लेकर के, एक एक जो आसन बताइए वो आसन कर लेना। एक आसन 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक, संख्या की दृष्टि से 100 बार से लेकर के 500 बार ऐसे। ऐसे 100 बार कर लेना, तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, माथा घुटनों से लगता जाएगा, ऐसे आगे पीछे पूरे झुकना। 100 बार ये कर लेना। अब बारी आती है बीमारियों की, चलो वो भी बता देते हैं। और पूरा पसीना आने लगता है, चूने लगता है शरीर से। तो ये तो एक चरण हुआ। अब मैं 5-7 बड़ी बातें बता रहा हूं। अभी मैंने योजना बनाई है सबके कल्याण के लिए, और आज से ही पूरे देश में लाखों करोड़ों भाई बहन मुझे सुनते हैं और रोज मेरे साथ योग करते हैं। अब मैं डायबिटीज के लिए 5 आसन बता रहा हूँ मात्र, फिर मेरुदंड के लिए 5 बता दूंगा, 5 बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अंत में बताऊंगा जो शीर्षासन, सर्वांगासन, वो एंटी एजिंग भी है। तो आज हमारा विषय है सब रोगों का समाधान योग, योग सब रोगों का समाधान। 1 घंटे का योग करो, सुबह शाम कर लो 1-1 घंटा, और जो असाध्य रोग हो तो सुबह 2 घंटा कर लो, शाम को 2 घंटा कर लो। फिर देखो अब 1 मिनट से पहले ऊपर नहीं आना, हो सके तो 2 मिनट रुक जाना, मैं 2-2 मिनट करके बता देता हूं। चलो आपको जिनको असाध्य डायबिटीज है, दवा खा खा करके, इंसुलिन खा खा करके पूरे शरीर में घाव हो गए हैं, सुइयां लगा दिया हजारों की संख्या में, सारा शरीर पक गया है, दवाएं खा खा करके शरीर सड़ गया है, पसीने से भी दवाओं की बदबू आती, मलमूत्र से भी, मैंने देखा ऐसे घरों को, रसोई में दवाइयों की बदबू, टॉयलेट बाथरूम में जाओ तो दवाओं की बदबू, कपड़ों में दवाओं की बदबू, बदबू से भर गया शरीर, घर घर हॉस्पिटल बन गए, दवा खा करके दवा खाने बन गए। अरे रे रे साहब, किस तरह से बदबू आती है शरीर से, मुट्ठा भर भर के दवा खा रहे हैं, किसकी? डायबिटीज की। और डायबिटीज कंट्रोल ही नहीं हो रही, क्योर होना तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको दावा नहीं कर रहा हूं, हमने किया है, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं करके दिखाया है,
पहला व्यक्ति है स्वामी रामदेव वर्ल्ड में, ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये किया है हम। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं, दावा करने वाला ही नहीं, इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाला इंटरनेशनल जर्नल्स में। वो स्वामी रामदेव की पपोती नहीं है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट को तोड़ने वाला, मैं कानून को मानने वाला नागरिक हूं। लेकिन इस कानून को नहीं मानता। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट में लिखा है बीपी क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, अस्थमा क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होती, SLMS ऑटोमेटिक डिजीज क्योर नहीं होती। ये कानून बनाने वाले मूर्ख थे, गुलाम थे MNCs के, गुलामी की मानसिकता के शिकार थे जिन्होंने ये कानून बनाया। मैं इसकी धज्जियां उड़ाता हूं और मैं सरेआम इस कानून को तोड़ता हूं, जैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के बहुत से कानून तोड़े। बोले साहब जी सुबह सुबह क्या हो गया आपको? मंडूकासन, एक दो मिनट ऐसे लगातार 5 मिनट तक कर सकते। जो इस कानून में लिखा है उसके विपरीत मैंने पाया है, किया है, साइंटिफिकली किया है। अभी गवर्नमेंट ने कह दिया कोई नहीं कहेगा कोरोना क्योर होता है। मैं कहता हूं कोरोना क्योर होता है, कर लो मुझे, डाल दो जेल में। तो अरे होता है, जब होता है तो कहता हूं। और प्राणायाम से और कोरोनिल से, कोरोनिल खाने के बाद श्वास आ रही खाली पेट, अणु तेल सुबह डाल में डाल दिया। कोरोना क्योर हुआ भाई तो हम क्या करें अब? ठीक है, चारों तरफ इन ड्रग माफियाओं ने बड़े बड़े लोगों को खरीद लिया, ऐसा इनका लूट तंत्र है, ऐसा षड्यंत्र है कि कोई पांव ना जमा सके। बाहर से वैक्सीन खरीद के लाएंगे, अपने देश की बात को नहीं मानेंगे, ऋषियों की बात को नहीं। अरे जो प्रत्यक्ष उसको तो मान लो। और एक बात और कहता हूं, जिनको बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हो गए, चलो अभी मोटापा वालों को भर्ती कर रहा हूं मैं, बीपी वालों को, शुगर वालों को, हार्ट डिजीज वालों को, जिनको हेपेटाइटिस है उनको, जिनको आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको, करीब 10 बीमारियों के एवरेज 50-50 रोगी, तो 500 रोगियों को मैं योग ग्राम में भर्ती कर रहा हूं, 10 बीमारियों के, और मैं खुद रहूंगा योग ग्राम, खुद कराऊंगा। अगले महीने से कार्यक्रम शुरू है, 10 बीमारियों के 50-50 रोगी मंडूकासन, 1 से 2 मिनट करना है ऐसे, मुट्ठी बंद करके मुट्ठी खोल के 5 आसन कर लो, घर में कर लो भाई, और बहुत ज्यादा है तो मैं बुला रहा हूं योगा ग्राम। श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे झुक जाओ, रिलैक्स हो जाते हैं। एक आसन 1 से 5 मिनट ऐसे करना है, डायबिटीज पहले कंट्रोल फिर क्योर, एक एक महीने रहना है। और जिनका 1.5-2 क्विंटल वजन हो, जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया हो मेडिकल साइंस यहां फेल हो गई हो, कह दिया हो कि अब तो भाई हमको तो तुमने मरने के लिए छोड़ दिया हो, अब जाना चाहो तो जा सकते हो पतंजलि योगपीठ में, स्वामी रामदेव के पास, आचार्य बालकृष्ण के पास। ऐसे ही हुआ था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले यद्यप यात्रा शुरू हो चुकी थी लेकिन तब लोग नहीं जानते थे हमको, लेकिन 25 साल पहले तो हकीकत में ऐसे हुआ। बैठ करके 2 आसन, मंडूकासन, वक्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, बस ये 5 आसन कर लेना, और कपाल भाते, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करना ही। पहले ऐसे ही होता था, आज से 25 साल पहले जब सारी पैथियां फैल हो जाए तो बोले लास्ट चांस हरिद्वार में जाकर के ले लेते, जी गए तो ठीक है, नहीं तो हर हर गंगे है ही। तो यहां आते थे लोग हर हर गंगे करने, अब उसमें बच जा बच गई जान तो बोले जान बची लाख रुपए, नहीं तो हर हर गंगे, बोले फूंक देना भाई हरिद्वार में, और बच जाए तो बाबा का धन्यवाद। ऐसे हमने लोगों की जान बचाई,
जो हर हर गंगे करने आए थे यहां पर। डायबिटीज किसी दवा से कंट्रोल नहीं हो रही है, मैं उनको बुला रहा हूं। दुनिया में जिनका कोई नहीं है उनका मैं हूं। सारी दुनिया के रास्ते बंद हो गए ऐसे डायबिटीज के रोगी, 500-500 डायबिटीज हो जाती है, और कब अब मरे और तब मरे, दिन गिनते रहते। ऐसे 50 डायबिटीज के रोगी, 50 डायबिटीज के रोगी, एक रोग इंसुलिन दवा सब फेल हो गए, शुगर कंट्रोल ही नहीं आ रही, और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस के कारण से बीपी भी है, थायराइड भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, किडनी भी गड़बड़ हो गई है, और बुरी हालात है। ऐसों को बुला रहा हूं बकरा से, डायबिटीज के रोगी, मोटापा के रोगी, पहले ही दिन से डायबिटीज की दवाइयां 90% लोगों की बंद, और एक सप्ताह में तो करीब 99 की, और एक महीने में 100% सब दवा इंसुलिन बंद। बीपी के रोगी, बीपी बढ़ जाता है, शूट कर जाता है, और कब पैरालिसिस हो जाएगा, कब हार्ट अटैक हो जाएगा, कब किडनी फेल हो जाएगी, कुछ पता नहीं। ऐसे भाई बहनों को बुला रहा से। एक एक मिनट यह आसन करना, एक एक मिनट पवन मुक्त आसन, उत्तान पाद आसन, नौकासन, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 5-5 मिनट करने से पूरा लाभ होता है। तो 100% योग करो, पूरा योग करो, पूरा लाभ मिलेगा। पूरा आयुर्वेद का प्रयोग करो, तीन चीजें करनी है, योग पूरा करना, आयुर्वेद की औषधि पूरी करनी है, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, साइंटिफिक सात्विक जीवन पद्धति को अडोप्ट करना। बस तीन चीजें कर ली, फिर देखो चमत्कार अविष्कार तुम्हारे द्वारा होंगे। तुम कह रहा था मोटापा के रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी, एक ही दिन में एक एक दो दो किलो वजन हम घटाते हैं, एक दिन में एक एक दो दो किलो, पहले 1 से 1.5-2 किलो, बाद में 1 किलो, फिर 0.5 किलो, ऐसे धीरे धीरे कम करके एक महीने में एवरेज आउट करें तो लगभग 15 किलो वजन कम। और यदि 2-3 महीने आप रुक गए तो 40-50 किलो कमी करके भेजेंगे, पड़ोसी देखने आएंगे, अरे ये हुआ क्या, गया था ये 1.5 क्विंटल, आया 1 क्विंटल का, ये एक आदमी कैसे गायब हो गया स्वामी रामदेव जितना इसमें से। मोटापा के रोगियों को बुला रहे, मधुमेह के, उच्च रक्तचाप के रोगियों को, हृदय रोगियों को, जिनको 90% तक ब्लॉकेज है, उनको एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत नहीं है, बाईपास कराने की जरूरत नहीं है, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 15-20 तक आ गया है, उनको पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं, उनको बुला रहा हूं। हार्ट रोगियों को, हार्ट रोगी कभी भी आ सकते हैं, अभी जाकर के योग ग्राम में मैं एक बार सबको चार्ज कर दूंगा और खुद रहूंगा, और ये लाइव प्रोग्राम होगा। लोग बिग बॉस का घर देखते, रियलिटी शो के नाम पर फुहड़पने की हद होती है, अश्लीलता, दुराचार, व्यभिचार, मांसाहार, मारकाट है, धत्ते रहेंगे। ऐसे एक एक मिनट ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये रियलिटी शो करने वालों में योगा रियलिटी शो, एक एक रोग के 50-50 रोगी, हार्ट रोगियों के बाद में जिनको हेपेटाइटिस है उनको लूंगा, जिनको लिवर सिरोसिस है, एक एक मिनट तक ये करवा रहे हैं। ये पेट के लिए बड़े जबरदस्त है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और ये डायबिटीज के लिए भी। तो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा और लीवर की बीमारी, 5 तो ये हो गए। अब जिनको सोराइसिस है, जिनको लिकोडर्मा है, एक्जिमा है, भयंकर चर्म रोग, अरे रे रे साहब गल सड़ गया पूरा शरीर, ओहो हो, उनको बुला रहे, उनको ठीक करके भेजेगा, एकदम साफ सुथरा, स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक बना के, नया जन्म दे करके। रमेटाइड अर्थराइटिस से जिनके हाथ पैर इतने अकड़ गए हैं
कि चला नहीं जाता है, उठा बैठा नहीं जाता है, यूरिक एसिड बढ़ गया, ये ऐसा बढ़ गया, हार इफेक्ट पॉजिटिव हो गया, सारी बाय केमिस्ट्री बिगड़ी पड़ी है, सब ठीक कर देंगे, आओ। ये विज्ञापन नहीं कर रहा हूं मैं, ये सत्यापन है, योग के संस्कृति का सत्य है। ये विज्ञापन नहीं चल रहा है, ये हकीकत चल रही है। उत्तान पादासन ऐसे एक मिनट, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के रोग, वात रोग इतने बढ़ गए। फिर अस्थमा, इतना कि दम निकले जा रहा है, ये कोरोना से नहीं मर रहे लोग, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, लंग कमजोर है, जिसका लंग स्ट्रांग है उसको अस्थमा क्या बिगाड़ लेगा, अस्थमा वाले, असाध्य वात के रोगी, असाध्य कफ के रोगी, अस्थमा के रोगी, दोनों तरफ से उठा रहे हैं। दोनों तरफ से बराबर बराबर उठा दिया, एक मिनट तक ऐसे रोक के रखा। और असाध्य पेट के रोग, कॉन्स्टिपेशन, और ऐसी पेट की बीमारियां हैं कि बस उल्टी उल्टी लगी जा रही है, गैस बनी जा रही है, कुछ ठिकाना ही नहीं कब को रोग, कोलाइटिस, और ये सॉरी अर्थराइटिस के बाद कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, एंडाइटिस, उसमें तक्रकल्प करवा करके असाध्य कोटि के रोग है जो मैं बता रहा हूं जितने भी, ऐसे एक मिनट तक ऐसे रोक के रखा। ये तो मैंने डायबिटीज के लिए 5 आसन बताए, मंडूक आसन, वक्रासन, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, वकासन, एक एक मिनट करके ऐसे 5 मिनट कर लेना। अब कमर दर्द के लिए 5 आसन बता देते हैं, चलो बताने को तो बहुत कुछ होता है, फिर कल बता देंगे, रोज का यही तो कार्यक्रम है, अपने अपने रोग के अनुसार योग अडॉप्ट कर लेना। ये मरकट आसन है, ऐसे आराम से 4-5 आसन कर लेना कमर के लिए। मैं कह रहा था जिनको असाध्य रोग है, बीपी का, शुगर का, हार्ट की प्रॉब्लम का, अस्थमा का, कफ का, साइनस, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, कोरोना के कारण से जिन आफ्टर इफेक्ट्स है उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। कोरोना तो ठीक कर दिया, अब कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को भी हम ही ठीक करने वाले हैं। ये मेडिकल साइंस के पास कोई उसका इलाज नहीं, लीवर के असाध्य रोग, इंडाइजेशन के असाध्य रोग, आर्थराइटिस के असाध्य रोग, 10 रोगों के 50-50 असाध्य रोगी बुला करके और उनको ठीक करने वाले। मरकटासन के 2 अभ्यास, फिर तीसरा भी करवाएंगे, घुटनों पंजों में फासला, एक घुटना जमीन पर, दूसरा पंजे के ऊपर, ऐसे। तो असाध्य कोटि के रोगों रोगियों को आमंत्रित कर रहा हूं। योगग्राम में, निरामयम में, योगग्राम निरामयम में खुद योग कराऊंगा मैं। कोरोना फ्री जोन बनाया हमने उसको, सबका कोरोना टेस्ट करते हैं पहले, जो नेगेटिव होते हैं उन्हीं को भर्ती करते हैं, फिर सुबह से शाम तक योगमय दिनचर्या, आयुर्वेदमय दिनचर्या, सात्विक दिनचर्या, आध्यात्मिक दिनचर्या, तीनों काम यहां सहज हो जाते हैं, घर पर आप नहीं कर पाते, इसलिए मैं यहां बुला रहा हूं। और आपको देख करके करोड़ों लोग पीड़ित हैं एक एक बीमारी से, वो सबको प्रेरणा मिलेगी। ये लाइव शो करने वाले हैं आस्था पर और इंडिया टीवी पर, दोनों पर चलेगा। डेली की रिपोर्ट डेली होगी। मोदी जी ने कहा मैं 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा, हम डेली रिपोर्ट कार्ड देंगे, और दुनिया का कोई व्यक्ति हमको झूठा साबित कर दे तो जो दंड देना चाहे फांसी से लेकर के और 3 जन्म तक का कारावास, 2 जन्मों का तो अंग्रेजी दे के चले गए। कमर दर्द के लिए अर्ध पवन मुक्तासन, जिनको दर्द है वे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये वे ये गंधरासन भी कर सकते हैं, ये कटुतानादासन। तो अभी कमर के लिए बताते बताते बता रहा था, ये प्रचार करने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए ना, नो प्रचार, नो व्यापार, नो कारोबार,
केवल उपचार और केवल उपकार, उपकार की भावना से कह रहा हूं ये बातें। मकर आसन, भुजंगासन, समास, कमर दर्द के लिए बैठ करके विश्रासन करवा दें। असाध्य रोगी बुला रहे। कमर वालों को तो हम घर पे ठीक कर देते हैं, घर पे आसन करो आराम आराम से, चंद्र प्रभावटी लो, त्रिदशांगु गलो, अश्वशिला लो, बहुत ज्यादा है तो एकांगवीर रसमावत, विध्वंसन रसमास, पांच ग्राम ले लो, बृहतवाच चितमणि 2-3 ग्राम, पीड़ा तक तेल लगा लो, कमर का दर्द का बीमारी है। लोग छोटी छोटी सी बीमारी से डरे सहमे बैठे हुए, ऐसा डरा दिया, डर 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 खोफ इतना भयंकर पैदा कर दिया है। तो ये आज मैंने घोषणा कर दी है इसकी। कुछ लोग कहते हैं स्वामी रामदेव का दिमाग खराब है, नए नए कार्यक्रम लॉन्च करता रहता है, दिमाग खराब तो किसका है सारी दुनिया जानती है। ये नया कार्यक्रम लॉन्च कर दिया आज सुबह सुबह, और अगले महीने से कंटिन्यू, और सबसे अच्छा महीना है रोग उपचार का अक्टूबर माह, जिनको शरीर बनाना है। और एक तो छूट ही गए दुबले पतले, अरे ऐसे मोटे मोटे तो बोले अरे ठीक है, ये दुबले पतले कुछ ऐसे उनका ब्याह ही नहीं होता, ऐसे 2-2 इंच की टांगे, 2-2 इंच के पैर, फूक मारे तोड़ जाए, बांध के रखने पड़ते हैं रस्सी से जब तेज हवा चले तो, कहीं हमारा छोरा छोरी उड़ ना जाए। ऐसे जो अंडरवेट है, माने उम्र हो गई है 25-30 साल की और वेट है 30-35 किलो, धत तेरे की उनको देखें तो मतलब जिंदा भूत नजर आए, ऐसे कंकाल बुरी हालत हो रही, राम 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 राम। जो अंडरवेट है उनको भी बुलाते हैं, ये अंडरवेट वाले भी बड़ी दुखी आत्माएं होती हैं, उनको सब जो है क्या क्या कह करके चिढ़ाते रहते हैं और बोलते हैं इनमें कुछ नहीं दम बचा, कुछ नहीं कर सकते, तो आत्मग्लानी कुंठा पैदा हो जाती है उनमें। तो ऐसे अंडरवेट को भी लेंगे ओवरवेट के साथ साथ, नहीं तो बहुत से लोग मुझे यही लिखते रहते हैं फेसबुक, बोले स्वामी जी मोटे मोटों के ही पीछे पड़े हुए हो, कुछ हमारी भी सुध ले लो। मैंने कई बार गांव की भाषा में बोला, बोले बाबा जी घी का पीपा खा गया छोरा छोरी, एक टोपा वजन नहीं बढ़ा, ये हालत रहती, 15 किलो घी खा गए और 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा, अरे राम राम राम। बुझंगा अंडरवेट ओवरवेट आज घोषणा कर दी है, ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और इसी महीने से भर्ती होने शुरू हो जाएंगे, कार्यक्रम अभी से देके आ जाऊंगा, खुद योगग्राम अभी वहीं जाकर के डेरा जमाने वाला हूं, योगा ग्राम में डेरा जमेगा। और रख सकते हैं ना वहां फैसिलिटी, हमारे पास लगभग 500 रोगी वहीं रख सकते हैं। और उनको खुद मैं योग कराऊंगा 2-2 घंटा सुबह शाम दोनों टाइम खुद भी करूंगा। बोले समझे आपको क्या तकलीफ है, आप ये 2-2 घंटा क्यों पसीना बहाते हो, मैं योग करता हूं तो मैं बुढ़ा नहीं होगा, जवान रहूंगा। लोग पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं, धकते रहते हैं और फिर कहते हैं स्वामी जी को जड़ी बूटी दे दो जवान रहने की, दूंगा तेरे को जड़ी बूटी, रुक जा। लंबे लंबे श्वास, जड़ी बूटी तो मिल जाएगी मेरे भाई, सबसे बड़ी जड़ी बूटी है योग, भुजंगासन, सर्वासन, आराम आराम से ऐसे करते रहो। जिनको कमर में दर्द है थोड़ा थोड़ा 10-10 सेकंड के लिए ऐसे उष्ट्रासन, जो ये ना कर पाए तो ऐसे ही छोटे बच्चे थे तब हम भी पीछे सिर लगा दिया करते हैं, थोड़ा तो नजदीक पहुंच ही जाते। फिर प्राणायाम सबके लिए मैंडेटरी है, ये तो किसी को नहीं छोड़ना, सब रोगों में तो आज प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, योग का रियलिटी शो भस्त्रिका, कपालभाति,
अनुलोम विलोम, ये तो आधा आधा घंटा करवा देते। और जिनको असाध्य रोग है, जिनको कैंसर है, कैंसर के रोगी भी लेंगे, कैंसर के रोगी। और उसमें सबसे जल्दी रिजल्ट आता है प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर, पीएसए लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल आता है। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर और यूट्रस ओवरी का, लंग का, तुरंत रिजल्ट आता है। तो कैंसर में ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, इनको भी लेंगे और इनको तीन तीन छः छः महीना रखेंगे। 9 महीने में तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर घर भेजेंगे ठीक करके। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, चलो ए कपिल कपालभाति कर, नहीं तो तेरे को भी कैंसर हो जाएगा। चलो तुम लोग कपालभाति करो, मैं इसके लाभ बता रहा हूं, सब करो। ये संगीत वाले बहुत संगीत बजा लिया तुमने, करो सब कपालभाति। हरि जी, कपिल जी, और ये मरे जानवर की खाल पीटने वाला कौन है? आशीष, तेरे को भी आशीर्वाद, कपालभाति कर, नहीं तो तेरी पिटाई होगी। कपालभाति करो सब, कपालभाति। ये साउंड वाले भी करने लग गए, नहीं तो पहले खाली बजाते ही बजाते थे। सबको करना है, कपालभाति करो, सब करो, सब कलाकार करो, सब प्रोफेशनल्स करो। कोई भी काम धंधा है, योग सबसे पहले है। खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, काम है, कोई भी किसी भी फील्ड में आप अपना कैरियर बना रहे हैं, योग करो पहले। तो मैं कह रहा हूँ, आज लॉन्च कर दिया हमने प्रोग्राम, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, लो बीपी भी किसी किसी का साधे कोटि का हो तो एक आधे को 5-10 को डाल लेंगे उसी में। बीपी पहला, बीपी दूसरा, शुगर, शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, 2-3-4 तक भी क्रिएटिनिन चला गया है उनको भी, शुगर और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस 2। तीसरा फिर मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा तीसरा। चौथा, चौथा है फिर लीवर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लीवर बैठ ही गया, बोला भूख ही नहीं लग रही, अब तो पूरा लीवर बैठ गया जिनका, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, मौत हो रही है इससे लोगों की। फिर असाध्य कोटि का अस्थमा, अस्थमा प्लस जिनको आफ्टर कोरोना ऐसे साइड इफेक्ट हुए, किसी को लंग कैंसर हो रहा है, किसी को अल्जाइमर हो रहा है, अस्थमा और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से जो पीड़ित है। कोरोना भी हमने ठीक किया, उसके आफ्टर इफेक्ट भी हम ठीक करेंगे। फिर कोलाइटिस, कोलाइटिस से लेकर के असाध्य पेट के रोग, असाध्य उदर रोगी, पेट की भयंकर रोग है, हरे राम राम राम। फिर रोमेटाइड अर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस, एक रोग के 50 रोगी, रोमेटाइड अर्थराइटिस। फिर असाध्य कोटि के सामान्य रोगों का उपचार तो दुनिया कर रही है ना, असाध्य कोटि के चर्म रोग, चमड़ी गल गई है, सड़ गई है, जिनको वेरिकोज वेंस के कारण से जो है वो सोराइसिस के कारण से, सोराइसिस। आज मैं बोल दूंगा वहां रजिस्ट्रेशन करने वालों को, इन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा अभी केवल, बाकी सामान्य रोगियों को अब नहीं लिया जाएगा। जैसे कोरोना काल में बोले सबसे पहले कोरोना वालों को लिया जाएगा, बाकी अपने घर में रह के बीपी शुगर की दवाई खाते रहो। तो अब योगग्राम में असाध्य कोटि के चर्म रोगी, सोराइसिस, एक्जिमा, अरे राम 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 राम। और फिर लिकोडर्मा, पहले तो शादी नहीं होती, लिकोडर्मा हो जाए तो, शादी होने के बाद में एक दूसरे का तलाक हो जाता है, और तलाक ना भी हो तो शर्म करते हैं, बाहर जाना बंद कर देते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बच्चों को हो जाए तो माँ बाप को डिप्रेशन हो जाता है, अब गया बच्चों का भविष्य अंधेरे में। लिकोडर्मा, लिकोडर्मा ठीक करके भेजेंगे हम, लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा, और किसी किसी को वेरिकोज वेंस के कारण से, वेरिकोज वेंस के कारण से
उठा बैठा चला फिरा नहीं जाता, ऐसे ऑपरेशन के बाद पूरे शरीर से पस पस निकलने लगता, बहुत बुरी हालत हो जाती है, ऐसे असाध्य कोटि के चर्म रोग, असाध्य कोटि के, सामान्य तो लेते ही नहीं है। एक उच्च रक्तचाप, दो मधुमेह, तीन मोटापा, और हाँ 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 मोटापा में प्लस 10-20 दुबली आत्माएं हैं, अंडरवेट अंडरवेट, उनका वेट बढ़ाएंगे। चौथा फिर लीवर, फैटी लीवर और हेपेटाइटिस, फैटी लीवर हेपेटाइटिस और फैटी लीवर। पांचवा अस्थमा और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स वाले रोगी। छठा कोलाइटिस, सातवां अर्थराइटिस, नौवां असाध्य कोटि के, एक्जिमा के और फलाना ढिकड़ा, और दसवां असाध्य कोटि के, पागल पागल तो हो आना नहीं, देखो पागल को तो फिर मुश्किल होता है रोकना, असाध्य कोटि के मानसिक रोग, माने जो मेरा कहा मान सके उतने तक डिप्रेशन के रोगी, इसमें भी ऐसे पागलपन की दवाइयां खिला खिला करके, फिर ड्रग खिला खिला करके उसको सुशांत जैसी हालत कर देते हैं। फिर ये सुशांत और रिया जैसे ये जो केस हुआ है पूरा, तो जो भी ड्रग एडिक्ट हैं और तमाम तरह की बुरी हालत हो गई जिनको, उनको भी छुड़ा देंगे, डिप्रेशन और ड्रग एडिक्ट, भाई जो मेरी बात माने, बस इतनी शर्त है उसमें, मेरी बात माननी पड़ेगी और मैं कराऊंगा खुद। ये रजिस्ट्रेशन तो अभी से ओपन हो रहा है, 20 तारीख के बाद अभी से ही रजिस्ट्रेशन अभी ओपन, और योगग्राम और निरामयम दोनों जगह, जिनके पास ज्यादा ही पैसा जोर मार रहा है वो योगग्राम निरामयम में, वहाँ फैसिलिटी है 7 स्टार सारी। कुछ लोगों को तो ऐसा है ना कि फैसिलिटी से कंप्रोमाइज नहीं, पैसे कितने ही खर्च हो तो उनके लिए भी हमने इंतजाम कर रखा, उसे थोड़ा सा इनकम होगी तो कुछ गरीबों का उद्धार हो जाएगा। समर्थ से लेना, असमर्थ को देना, समर्थ से लेना और असमर्थ की सेवा करना, सेवा समर्थित तो करेगा, कहते हैं नंगा क्या नाएगा क्या नहीं छोड़ेगा, जिसका पास है ही नहीं वो देगा क्या। खैर ये आज मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और मैं चाहूंगा आप सबसे आह्वान करता हूं इसका खूब प्रचार करें और ऐसे ऐसे रोगियों को ढूंढ के मेरे पास भेजें, आज का ये कार्यक्रम खूब शेयर करें। मैंने सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी लगा, कम से कम 20-25 हजार लोग पूरे देश में, 25-50 हजार लोग इसको शेयर करें, डेली के प्रोग्राम को 25-50 हजार लोग इसको शेयर करें, इस पर कॉमेंट करें, इसको लाइक करें, खूब बढ़ाएं इसको, खूब प्रचार करें। जिसका ज्यादा जितना होगा प्रचार उसका होगा उतना विस्तार, योग का प्रचार करना, हम तो रोग दुख दरिद्रता भूख अभाव लाचारी बेबसी तमाम जो संसार में अंधेरा है वो इसी से छटेगा। तो आज के अनुष्ठान को इसी के साथ पूरा कर रहे हैं, भस्त्री का कपाल भाति अनुलोम विलोम, आप और करते रहना भ्रामरी उद्गीत, फिर कल मिलेंगे आपसे, अभी श्रद्धा आचार्य से आयुर्वेद जीवन दर्शन सुनेंगे, फिर इंडिया टीवी पर आपसे मिलेंगे और एक एक रोग को जड़ से खत्म करेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे, यह है हमारा अभियान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम